अब देखिएगा दूसरे क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ मैं, दूसरे क्वेश्चन की वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन में मैं सॉल्यूशन डालूंगा, इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने क्वेश्चन में। देखिएगा मिनिमाइज ग्रेड है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल सही है, यहाँ लेस देन इक्वल है, ये मेरा गलत है, ठीक है ना, लेस देन इक्वल गलत है। और दूसरी बात देखिएगा जो वेरिएबल एक्स थ्री है वो अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है, जब वेरिएबल एक्स थ्री अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन है तो ये एक्स थ्री इक्वल टू टूट जाएगा एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश, ये एक्स थ्री डैश माइनस एक्स थ्री डबल डैश में टूट जाएगा। अब आपकी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा वो इस प्रकार से बन जाएगा, मिनिमाइज जेड इक्वल टू टू एक्स वन हो जाएगा प्लस थ्री एक्स टू हो जाएगा प्लस फोर एक्स थ्री डैश हो जाएगा माइनस का फोर एक्स थ्री डबल डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट इक्वेशन में आपका हो जाएगा टू एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस फाइव एक्स थ्री माइनस फाइव एक्स थ्री डैश या डबल डैश या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कंडीशन सही है। और यहाँ ध्यान से देखिएगा यहाँ पर इक्वल साइन है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिस इक्वेशन में इक्वल साइन होता है उसे दो इक्वेशन में बदलते हैं, एक लेस देन वाली में और एक ग्रेटर देन वाली में, ये वाली वैल्यू भी मैं यहाँ रखने वाला हूँ, मैं मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहा हूँ तो पहले ग्रेटर देन और बाद में लेस देन होता है, ठीक है, और मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पहले ग्रेटर देन और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम कर रहे हैं तो पहले ग्रेटर देन आएगा बाद में लेस देन आएगा। अब यहाँ मैं एक साथ दो काम करने वाला हूँ तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ थ्री एक्स वन लिख लेता हूँ प्लस एक्स टू लिख लेता हूँ प्लस सेवन एक्स थ्री डैश माइनस सेवन एक्स थ्री डबल डैश लिख लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ बेटा ग्रेटर देन इक्वल थ्री। अब दूसरी इक्वेशन भी यही बनेगी लेकिन उसमें लेस देन इक्वल होगा और मिनिमाइजेशन की स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कहती है कि उसमें ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, तो इसी इक्वेशन को आप रिपीट कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, माइनस थ्री एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस सेवन एक्स थ्री डैश और प्लस सेवन एक्स थ्री डबल डैश, अब ग्रेटर देन इक्वल, हाँ लेस देन इक्वल था लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो चुकी है तो यहाँ बन चुका होगा माइनस का तीन। अब इस वाली इक्वेशन में देखिएगा, इस वाली इक्वेशन में लेस देन इक्वल है जो कि गलत है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में स्टैंडर्ड वाली में ग्रेटर देन इक्वल होता है तो इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस एक्स वन माइनस का फोर एक्स टू माइनस सिक्स एक्स थ्री डैश माइनस सिक्स एक्स थ्री डबल डैश और ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है माइनस का फाइव हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर मेरे कॉन्स्टेंट की संख्या चार है, यहाँ पर मेरे कॉन्स्टेंट की संख्या चार है तो मुझे चार ड्यूल वेरिएबल डालने पड़ेंगे, लेकिन उसमें एक बात ये देखिएगा ये दो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये दो कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है, ये दो कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये तो एक ही इक्वेशन से हमने जो इक्वल वाली इक्वेशन थी एक बार उसमें ग्रेटर देन बनाया और एक बार उसमें लेस देन बनाया, लेस देन वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करी, तो जिस इक्वेशन में जो कॉन्स्टेंट इक्वेशन से पैदा होते हैं जो कॉन्स्टेंट इक्वेशन से पैदा होते हैं उनमें हमारा जो वेरिएबल आता है वो अनरेस्ट्रिक्टेड आता है तो आप इसे दो मत गिनिएगा, इसे आप तीन कॉन्स्टेंट गिनिएगा, एक दो तीन। अब एक वेरिएबल यहाँ डब्ल्यू वन आएगा, एक वेरिएबल डब्ल्यू टू आएगा, एक वेरिएबल यहाँ डब्ल्यू थ्री आएगा, ठीक है ना, अब डब्ल्यू वन हो जाता है डब्ल्यू टू हो जाता है डब्ल्यू थ्री हो जाता है उसके बाद, लेकिन ये दो इक्वेशन है तो ये इक्वल साइन से बनी है तो इसमें वेरिएबल इस तरह से चुन लेते हैं, इसके लिए डब्ल्यू वन ले लेते हैं, इसके लिए W2 डैश ले लेते हैं, इसके लिए W2 डबल डैश ले लेते हैं और इसके लिए W3 ले लेते हैं, इस प्रकार से आपके वेरिएबल बन जाते हैं, ठीक है। अब इस प्रकार से जब आपके वेरिएबल बन जाते हैं तो अब मेरी इक्वेशन ये ऊपर वाली तो बेकार हो चुकी है, अब यहाँ पर मेरी कंडीशन बनी हुई है एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0, अब ऊपर वाला मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप देखिएगा नए वेरिएबल कैसे तैयार करने जा रहा हूँ मैं, अब मेरे पास वेरिएबल की संख्या चार है लेकिन चार में से दो ये जो जाएंगे ये अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन में जाएंगे, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन में कैसे बनाता हूँ, मिनिमाइज जेड है, मिनिमाइज जेड की जगह मैक्सिमाइज लिख दीजिएगा, जेड डी लिख दीजिएगा इज इक्वल टू, अब इधर से आते चले जाइएगा इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड करते चले जाइएगा, टू डब्ल्यू वन आ जाता है प्लस का थ्री डब्ल्यू टू डैश आ जाता है माइनस थ्री डब्ल्यू टू डबल डैश आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है माइनस का फाइव डब्ल्यू थ्री, ये आ जाता है, ये हो जाता है। अब मेरी कंडीशन बनने जा रही है, मेरी कंडीशन बनने जा रही है सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू,
सबसे पहले देखिएगा यहाँ एक्स वन के पैसे 2 रुपए हैं, प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो लेस देन इक्वल आएगा। अब एक्स वन के वेरिएबल इधर से पढ़ते रहिएगा, वेरिएबल इधर से पढ़ते रहिएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करिएगा। अब देखिएगा इससे मिलता है मुझे 2W1 मिलता है, प्लस यहाँ मिलता है 3W2 मिलता है, यहाँ पर मिलता है -3W2 मिलता है, और यहाँ पर मिलता है मुझे -W3। अब मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन में तो लेस देन इक्वल आ जाता है। ये x1 के कोफिशिएंट दिए गए हैं, x1 के हैं 2 रुपये, तो यहाँ पर 2 रुपये बन जाता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये अब x2 वाले वेरिएबल के लिए चलिएगा, इधर से पढ़ते चलिएगा, 3W1 हो जाता है, प्लस यहाँ W2 हो जाता है, यहाँ -W2 हो जाता है, और यहाँ -4W3 हो जाता है। ये x2 वेरिएबल से बनी है तो यहाँ लेस देन इक्वल बेटा x2 वेरिएबल के पैसे 3 रुपये आ जाते हैं, यहाँ पर 3 रुपये हो जाते हैं। अब फिर देखिएगा एक्स थ्री डैश वाले वेरिएबल के लिए चलिएगा, यहाँ से आ जाता है 5W1 आ जाता है, प्लस का 7W2 आ जाता है, माइनस का 7W2 आ जाता है, अब यहाँ पर माइनस का 6W2 आ जाता है। ये जो इक्वेशन बनी है ये एक्स थ्री डैश वाले वेरिएबल के पैसों से बनी है, ठीक है ना। तो एक्स थ्री डैश वेरिएबल के पैसे 4 रुपये, तो यहाँ लेस देन इक्वल 4 आ जाता है। अब लास्ट वेरिएबल देखते हैं x3", उसकी इक्वेशन देखिएगा, तो ये हो जाता है माइनस का 5W1 आ जाता है, यहाँ देखिएगा माइनस का 7W2 आ जाता है, यहाँ प्लस का 7W2 आ जाता है, और यहाँ आ जाता है बेटा -6W3, और यहाँ हो जाता है बेटा लेस देन इक्वल। अब इसके वेरिएबल के पैसे -4 है, यहाँ -4 है, यहाँ गलती से मैंने W2 लिख दिया था, ये W3 है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन जाती है, अब यहाँ से कंडीशन बन जाती है एंड W1, W2, W3 ≥ 0, ठीक है। ये मैं तुम्हें डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूँ, अब मैं इसे ही मिटा देता हूँ। अब अगले स्टेप में देखेगा ये जो दो इक्वेशन है, अब आप खुद सोचिएगा ये दो इक्वेशन कहाँ है। देखिएगा जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, इसमें भी लेस देन इक्वल 4 है, इसमें लेस देन इक्वल -4 है। अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगी, LHS दोनों की सेम हो जाएगी, जबकि ये लेस देन इक्वल 4 बोलेगी और जबकि ये ग्रेटर देन इक्वल 4 बोलेगी। तो लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल में तो इक्वल ही कॉमन हुआ, तो ये मेरी इक्वेशन इसमें जाने वाली है, इक्वल में जाने वाली है, और ये मेरे दो अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल पड़े हुए हैं, तो मैं लेट करने वाला हूँ W2 -W2 = W2, मैं लेट कर देता हूँ। अब मेरा आंसर लिखने की तैयारी हो जाती है, मैक्सिमाइज ZT = 2W1 हो जाता है, प्लस 3W2 हो जाता है, माइनस का 5W3 हो जाता है। अब यहाँ कंडीशन बन जाती है सब्जेक्ट 2, यहाँ से लिखने शुरू कर दीजिएगा, 2W1 हो जाता है, प्लस 3W2 हो जाता है, -W3 = 2 हो जाता है। अगली इक्वेशन आपको मिलती है 3W1 मिलता है, प्लस यहाँ W2 मिलता है, माइनस का 4W3 मिलता है, <= 3 मिल जाता है। ये दोनों इक्वेशन दो नहीं है, ये हमारी एक ही इक्वेशन है। अब इसे मैं प्रिंट कर देता हूँ, तो यहाँ हो जाता है 5W1 हो जाता है, प्लस 7W2 हो जाता है, माइनस का 6W3 हो जाता है, = में आ जाता है 4, ठीक है। अब आपने ये डैश के डिफरेंस को W2 लिखा था, तो कंडीशन बन जाती है W1, W3 ≥ 0 और W2 is unrestricted in sign। तो अगर आप क्वेश्चन करने के बाद, अगर आपने क्वेश्चन कर लिए हैं ड्यूल प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, उसके बाद आप ये वीडियो देखते हैं और एक दो क्वेश्चन को जरा थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, तो जितने भी ड्यूल के आंसर हैं वो आप क्वेश्चन देखते ही डायरेक्ट बता सकते हैं, कि ज़्यादा ज़्यादा 1 या 1.5 मिनट में आपका ये आंसर पता लग जाएगा कि ड्यूल जो है किस प्रकार से डायरेक्ट याद की जा सकती है। ये एक अप्रोच है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि ड्यूल कैसे याद करते हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना ये क्वेश्चन 10 नंबर का आता है, तो आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप उसी तरह से करेंगे जैसे कि आपको सिखाया गया था।